नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग सीखेंगे आलू के आकार का अगर कोई खेत है तो उसे हम दो भागों में कैसे बांटे। ये जो आपके सामने चित्र है, इसका पिछले वीडियो में हमने आपको ये सिखाया था कि आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, है ना। और आप लोगों को बहुत पसंद आया था, हालांकि थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा था, मतलब बहुत बार इसकी गणना करनी पड़ी थी, लेकिन क्षेत्रफल निकल गया था। लगभग 99% सही क्षेत्रफल निकलता है। अब क्षेत्रफल निकालने के बाद प्रश्न ये उठता है कि इसका हम बंटवारा कैसे करेंगे। तो आज हम लोग केवल दो भागों में इसे बांट कर देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में तीन भाग और चार भागों में इसे हम बांटेंगे। तो आपको आज भी बहुत ही धैर्यता पूर्वक देखना होगा, स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि इसका बंटवारा कैसे होता है। देखिए, ये जो खेत है, अभी हमने इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं लिखा है कि कितना है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाऊंगा कि आप इसकी लंबाई चौड़ाई को नाप करके क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर इसे दो भागों में बांटेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ये जो बीच से जहां से ये भुजा अंदर की ओर झुकी है, वहीं से कहीं आपको एक लाइन खींचना है। इसके लिए आप क्या करिए, आप पहले यहां से यहां तक नापिए कि कितना है। तो चलिए मैं एक लाइन खींच देता हूं, इसका मतलब कि आप एक डोरी लगा रहे हैं यहां से यहां, बिल्कुल सीधी। तो जब मैंने डोरी लगाया तो ये आई आपकी 80 फिट। ये कितनी आई, 80 फिट, 80 फुट। अब आप क्या करिए कि 80 फुट का आधा 40 फुट होता है, तो मान लीजिए यहां तक 40 फुट आ रहा है, तो बिल्कुल बीच से ये लाइन खींच दीजिए और इसे नाप लीजिए, ठीक है। तो मैंने पहले से ही नाप के रखा है, तो जब मैं इसे नापूंगा तो ये आएगा 35 फुट, यानी यहां से यहां तक 35 फुट, यहां से यहां तक 80 है, तो ये कितना होगा 40, ये कितना होगा 40। अभी ये निश्चित नहीं हो गया कि ये जितना इसका क्षेत्रफल है उतना ही इस भाग का क्षेत्रफल है, अभी ऐसा नहीं है। अभी हम केवल देख रहे हैं कि अगर हम ऐसा कर दें तो ये जो पहला भाग है और ये जो दूसरा भाग है, क्या इन दोनों का क्षेत्रफल समान है। अगर समान निकल गया तब तो कुछ करना ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर समान नहीं निकलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये वाला भाग इससे बड़ा होगा या ये वाला भाग इससे बड़ा होगा, कोई ना कोई बड़ा होगा। तो जो बड़ा होगा उसी को थोड़ा सा कम करेंगे, है कि नहीं। तो चलिए अभी हम पहले भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसके बाद दूसरे भाग का निकालते हैं। तो यहां तक आपको बात समझ में आई ना, मैंने क्या किया, यहां से यहां तक नापा 80 फुट, 80 का मैंने आधा कर दिया 40, 40 से मैंने एक लाइन खींच दिया और उसे भी नाप लिया 35। इसका कोई काम नहीं है 80 का, क्योंकि ये ऑलरेडी लिखा गया है 40 40। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह टेढ़ा मेढ़ा प्लाट हो तो कम से कम उसकी 5 लंबाई नापिए और उसकी 5 चौड़ाई नापिए, कम से कम। अधिक से अधिक और भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 5। तो एक तो नापी गई है यहां से यहां तक 40, दो इधर नाप लीजिए, दो ऊपर, तो ये नापिए एक, ये दो, ऐसे ही ऊपर भी नाप लीजिए यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, और नाप करके सबको लिख दीजिए। तो 32 36, ये रेखा है 32, ये रेखा है 36, ये 40 है और 30 और नीचे वाली 34। तो ये हो गई लंबाई 1 2 3 4 5, ऐसे ही चौड़ाई। तो एक ये हो गई चौड़ाई, एक ये, एक दो तीन, तो ये मैंने 5 चौड़ाई भी नाप लिया और सबको लिख दीजिए। ये है आपका 31 फुट, ये वाली है आपकी 32 फुट, 30 34, ये वाली है आपकी 30 और ये है आपकी 34, ये है 35। तो अब देखिए, पहले भाग की औसत लंबाई कितनी आई। औसत निकालने के लिए क्या होता है, सभी लंबाइयों का योग ऊपर लिखिए और उनकी संख्या से भाग दे दीजिए। तो
तो औसत लंबाई, मैं इस जो बाएं से दाएं खींची गई है उसी को लंबाई मान रहा हूं, तो ये 32 है यहां पर, दूसरी वाली है 36, तीसरी वाली है 40, फिर 38 और उसके बाद है 34। कितनी संख्याएं हैं यानी कितनी लंबाई है, 5 लंबाई। सबको जोड़ दीजिए, 2, 6, 8, 8, 16, 4, 20, हाँ से लगा 2, 3, 3, 6, 4, 10, 3, 13, 3, 16 और 2, 18, 180 बटे 5 भाग कर दीजिए 36 आएगा। 180 में 5 का भाग करने पर 5, 3, 15, 5, 36, 36 फुट औसत लंबाई। इसी तरह से औसत चौड़ाई निकाल लीजिए, यानी जो ऊपर से नीचे हैं उन्हें जोड़िए, 31, 32, 31, -32, -30, -34, -35। कितनी संख्याएं हैं, 5, जोड़िए सबको, 1, 2, 3, 4, 7, 5, 12, हाँ से लगा 1, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 1, 16, 162 बटे 5, 5, 3, 15, 1 बचा 20 हो गया, सॉरी 5, 3, 15, 1 बचा यानी 12 हो गया, 5, 2, 10, 5, 4, 20, 32.4। तो जो पहला भाग है, पहले भाग का क्षेत्रफल कितना आया, तो क्षेत्रफल बराबर औसत लंबाई गुणित औसत चौड़ाई, यही फार्मूला है। औसत लंबाई आपकी आई है 36 फुट, औसत चौड़ाई आई है आपकी 32.4 फुट। सबको जोड़ दीजिए, सॉरी गुणा कर दीजिए दोनों का, तो गुणा करने पर यह आएगा 166.4, सॉरी 1166.4 वर्ग फुट। ठीक है, 36 का 32.4 में गुणा करने पर 1166.4 वर्ग फुट आया। तो पहले भाग का क्षेत्रफल निकल गया 1166.4 वर्ग फुट। अब इसी तरह से दूसरे का निकाल लीजिए, तो दूसरे का निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसकी भी 5 लंबाई यानी कि 2 ऊपर बीच से और 2 नीचे खींच दीजिए और नाप लीजिए। तो यह है 32, 34, 40, 32 फुट, 34 फुट, 40 फुट पहले से था, 35 और 30, ये 35 फुट और ये 30 फुट। इसी तरह से आप इसकी चौड़ाई भी, तो 1, 2 इधर 3 है, ये 4 और ये 5, और लिख दीजिए सबको, ये ऑलरेडी 35 है ही, ये वाली आपकी हो गई 36 फुट, ये आपकी हो गई 38 फुट, ये 35 फुट और ये 30 फुट। ठीक, तो अब औसत लंबाई यानी सभी लंबाई के जोड़ का 5 भाग, तो 32, 34, 40, 32, -34, -40, -35, -30 जोड़ दीजिए, 2, 4, 6, 5, 11, हासिल लगा 1, 3, 3, 6, 4, 10, 3, 13, 3, 16 और 1, 17, 171 बटे 5 भाग कर दीजिए, 5, 3, 15, 2, 21, 5, 24, 5, 2, 9, 10, 34.2 फुट औसत लंबाई आ गई। इसी तरह से औसत चौड़ाई भी निकालिए, यानी जो खड़ी लाइनें हैं उन्हें जोड़िए, तो क्या है 35, 36, 38, बटे 5। ध्यान रखिएगा ये जो 35 है ये इसमें भी जोड़ी जाएगी और इसमें भी, ये कॉमन लाइन है। अब इसे जोड़िए, 5, 6, 11, 8, 19, 5, 24, हासिल लगा 2, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15 और 2, 17, 174 बटे 5
कितनी बार जाएगा? 5 3 15, 24 हो गया, 5 4 20, 5 8 40, 34.8 फुट। तो इस तरह से आप निकाल लीजिए दूसरे भाग का क्षेत्रफल। वही यहां भी होगा, औसत लंबाई गुणी औसत चौड़ाई, यानी लंबाई इसकी कम आई है 34.2 और चौड़ाई इसमें थोड़ा सा लंबाई से ज्यादा है 34.8। कोई उससे दिक्कत नहीं है कि लंबाई ज्यादा ही होनी चाहिए, चौड़ाई कम, कोई ज्यादा कम हो, गुणा ही आपको करना है। तो जब आप 34.2 का 34.8 में गुणा करेंगे तो आएगा 1190.16 वर्ग फुट। आप कैलकुलेटर से गुणा कर लीजिएगा, दूसरे वाले का आ गया 1190, पहले वाले का 1166। इसका मतलब कि पहला वाला जो भाग है जहां से बीच की लाइन 35 खींची गई है वो कुछ छोटा है और दूसरा वाला कुछ बड़ा है। कितना बड़ा है दूसरा वाला? तो 1190 में से 1190.16 में से 1166.40 को घटा दो तो पता चल जाएगा कि दूसरा वाला पहले वाले से कितना ज्यादा है। 6 11 में से 4 गया 7, 7 9 में से 6 गया 3, 8 में से 6 गया 2, तो 23.76 वर्ग फुट ज्यादा है। कौन ज्यादा है? दूसरा वाला। दूसरे वाले का क्षेत्रफल ज्यादा आया है ना, पहले वाले का कम, तो बड़े में से छोटे को घटा दिए तो 23.76 वर्ग फुट ज्यादा है। अब आप क्या करिए, अब आपको जो 23.76 वर्ग फुट का अंतर आया है उसी में दो भाग करिए। ठीक है, क्या करना है? दो भाग। जब आप दो भाग करेंगे तो यह आएगा आपका, करिए 2 1 2, 2 1 2, यहां शेष 1 5 17 हो गया, 2 8 16, 2 8 16 11.88 वर्ग फुट। ये क्या आया? अभी आपको कम समझ में आया होगा, हम समझाते हैं। देखिए, हमने ये देखा कि दूसरा वाला भाग पहले वाले भाग से ज्यादा आया है। कितना ज्यादा आया है? इसके लिए घटा दिया तो 23.76 ज्यादा आया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 23.76 का आधा करें 11.88 तो ये 11.88 वर्ग फुट अगर इधर इसको मिल जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। नहीं बराबर होंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि ये जो लाइन 35 फुट है इसको हम और आगे खिसका दें, इतना खिसकाएं कि इसमें से क्षेत्रफल 23.76 कम हो जाए, तब नहीं होगा ऐसा। क्योंकि जब 23.76 इधर जाएगा तो इसका मतलब कि फिर से इधर 23.76 बढ़ गया। इसका मतलब 23.76 का आधा करिए तो आधा ही इधर जाएगा। तो जब आधा इधर कम हुआ आधा इधर बढ़ा, दोनों का हो गया बराबर। जैसे मान लीजिए, अच्छे से समझिए, जैसे मान लीजिए दो लोग हैं ए और बी, पहली बार ए को मिला 10 रुपए, बी को मिला 16 रुपए। इसका मतलब बी को 16 रुपए ज्यादा मिला है, तो क्या करोगे? बी को 6 रुपए ज्यादा मिला है तो ये 6 रुपए आप इनको नहीं दे दोगे, ये 6 रुपए का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 3। इसका मतलब कि इसमें आप 3 बढ़ा दीजिए और इसमें आप 3 घटा दीजिए तो इनका भी 13 और इनका भी 13 दोनों का बराबर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इसका क्षेत्रफल ज्यादा था तो जितना ज्यादा था उसका मैंने आधा भाग कर दिया। इसका मतलब कि अब उसका आधा इधर खिसका दीजिए यानी कि कम कर दीजिए और इधर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो 11.88 वर्ग फुट पहले दूसरे वाले भाग से कम करना है। तो बस क्या करिए, 11.88 में आप डिवाइड कर दीजिए ये वाली लाइन को जो 35 है। ठीक है, ये 35 है और ये 36 है, ये 35 ये 36, तो 35 36 लगभग लगभग बराबर है, एक ही फुट ज्यादा है। तो आप थोड़ा सा इसको बढ़ाइए इधर,
कितना बढ़ेगा? तो इसके लिए आपको 35 में भाग करना है, तो 0.33 आया, 0.33 फुट बढ़ाइए। यानी इस लाइन को थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, ये वाली जो लाइन 35 फुट थी इसको आप इधर, क्योंकि दूसरा वाला भाग ज्यादा है तो इधर आप 0.33 फुट बढ़ाइए। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 0.33 फुट का मतलब क्या है, तो आप फुट को इंच में बदल लीजिए। फुट को इंच में बदलने के लिए 12 का गुणा होता है, क्योंकि एक फुट में 12 इंच, तो 12 तिहाई 36 3 39 3.96 इंच, 3.96 इंच। क्योंकि इधर वाली भुजा थोड़ी सी बड़ी है इसलिए आप 9.6 से थोड़ा सा कम बढ़ाओगे, तो आप कर दीजिए 3.8, ठीक है, 3.8 या 3.96 भी करेंगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। यानी इसे लगभग 4.25 इंच इधर बढ़ाना है, यहां से आपको 3.8 इंच आगे खिसका देना है और वहां से आपको लाइन खींच देना है। और आप ऐसा कर देंगे तो ये वाला जो भाग आपका आएगा और फिर यहां से इधर वाला जो भाग आएगा, दोनों का क्षेत्रफल एकदम बराबर आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले पहले भाग का क्षेत्रफल निकाला बीच से लाइन खींच के, दूसरे का निकाला तो देखा कि दूसरा वाला बड़ा है। कितना बड़ा है इसको घटा दिया तो पता चल गया, उसके बाद इसमें 2 का भाग कर दिया तो जो आया उसी को दूसरे वाले भाग में कम करना है, यानी वो क्षेत्रफल उतना कम करना है। तो उस क्षेत्रफल में मैंने ये जो खड़ी भुजा थी 35 फुट उसी का भाग दिया तो चौड़ाई निकल गई, तो चौड़ाई कितनी आई 3.96 इंच, 3.96 इंच। लेकिन चूंकि इधर ये थोड़ी ऊपर बढ़ रही है और ये थोड़ी ऊपर बढ़ रही है नीचे, यानी चौड़ाई इसकी जैसे ये 35 है तो इसके बाद 36 थी ना, यानी इधर जाने पर इन दोनों के बीच का फासला बढ़ रहा था। इसका मतलब ये भुजा जब आगे खिसकाएंगे तो वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इसलिए जितना चौड़ाई आया था उस चौड़ाई को हमने थोड़ा सा और कम कर दिया। ठीक है, अगर आप नहीं भी कम करेंगे तब भी लगभग लगभग आपका क्षेत्रफल बराबर आएगा। तो यही तरीका था इसे बांटने का, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका हमारे पास तो नहीं है, लेकिन कोशिश जारी है। इससे भी अगर सरल तरीका मिलता है तो आपको हम जरूर बताएंगे। अब अगले वीडियो में हम आपको इसी को 3 भागों में बांटेंगे और फिर 4 भागों में बांटेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।